कृषि मंत्री कमल पटेल ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हरदा में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने माल्यार्पण के बाद कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय तरीके से हत्या की गई थी, जिस पर अभी तक रहस्य बना हुआ है। साथ ही पटेल ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था, बीजेपी के शासनकाल में किसी को कोई वीजा नहीं लेना पड़ता। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हुए कश्मीर में सत्याग्रह किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि ये देश दो विधान से नहीं चलेगा। जब देश में मोदी सरकार बनी तब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को गृह मंत्री अमित शाह के साथ कश्मीर से धारा 370 का कानून हटाकर पूरा किया। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर जाने के लिए अपने ही देश में वीजा लेना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य हम सब कह सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि नेहरू देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जिसका ज्वलंत उदाहरण कश्मीर था, लेकिन नेहरू की तुष्टीकरण की नीति आज भी कांग्रेस पार्टी की रगरग में समाई है। कांग्रेस हमेशा देश बांटना चाहती है। नहीं चलेंगे, कश्मीर के अंदर वीजा लेना पड़ता था जाने के, भारत के राष्ट्रपति का कानून पूरे देश में लागू होता, लेकिन कश्मीर को छोड़कर क्योंकि अनुच्छेद 370 की छूट दी गई और उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना, वो हमारे संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे, और उसके बाद कश्मीर में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे नारा देकर सत्याग्रह किया और कश्मीर में वीजा लेकर जाना होता था तो उन्होंने कहा मैं वीजा नहीं लूंगा, इस कानून का तोड़ूंगा, और उनके साथ सैकड़ों लोग हजारों लोग उन आंदोलन में गए, वहाँ उनको सीमा पर जाने के जैसे ही कश्मीर में प्रवेश किया गिरफ्तार कर लिया गया और षड्यंत्र पूर्वक उनको जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी हत्या कर दी। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमेशा हमने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प हम पूरा करेंगे और कश्मीर से 370 हटाएंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से ही गृह मंत्री बने लौह पुरुष अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कश्मीर से 300 अनुच्छेद हटाया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।